तो आज मैं आपको घुमाने लेके आई हूँ हॉन्टेड हाउस में। तो ये भूतिया महल बना हुआ है सेक्टर 1 के गणेश पंडाल में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं हूँ भूत मंदिर के पास गणेश देखने के लिए। और क्या है, सेक्टर 1 है ना, तो सेक्टर 1 में तो आप यहाँ पे मैं अपने पर्यटन के साथ आई हूँ, पालन की पूरी दीदी लोगों के साथ आई हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे अभी टिकट देखते हैं हम लोगों को मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टिकट लेने के लिए आए हैं और टिकट के लिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हुई है। आप समझ नहीं आ रहा टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को मिल जाए। भीड़ इतनी ज़्यादा होने के लिए हम लोगों को, इस वजह से हम लोग को VIP पास लेना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था और हम लोग को और भी जगह जाना था। रिंकू दी, यहाँ रिंकू दीदी और मैं ही आए हैं लेने के लिए। रिंकू दीदी और मैं टिकट ले लिए। चलो दीदी ने टिकट ले लिया है और पैसे साथ। तो ये हमारी पूरी पलटन है जो वीडियोस वगैरह बना रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग VIP पासेस ले चुके हैं और 50 रुपये का VIP पास मिल रहा था और 20 रुपये का टिकट मिल रहा था, लेकिन हम लोग के पास टाइम की कमी होने की वजह से हम लोग, इतनी लंबी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी कि हम लोग का रात का बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता, इसलिए हम लोग ने VIP पास ले कर जल्दी से गए देखने के लिए। और अच्छा हुआ कि हम लोग VIP पास ले लिए, क्योंकि टिकट लेके रहते तो हम लोग रात भर यहीं रह जाते, हम लोग का नंबर भी नहीं आ पाता। तो चलिए हम लोग अब जा रहे हैं। यहाँ पे हम 7 लोग आए हैं हुए हैं और बाकी जो पार्लर में दीदी लोग थी वो लोग नहीं आ पाए। तो हम लोग जब भी मेले वगैरह लगते हैं तो सब साथ में घूमने आते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। वैसे मुझे डर, मैं बहुत डरपोक हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मैं पहली बार जा रही हूँ, पता नहीं डर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। और मेरा वीडियो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो 2 पार्ट में डालूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो मैं 2 पार्ट में डालूंगी। पहला यह आपको पंडाल घुमा देती हूँ, फिर उसके बाद मेले का घुमाऊँगी। तब तक मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना डरावना पंडाल बना हुआ है और यहाँ पे बच्चे जा रहे थे तो डर जा रहे थे, अब देखते हैं कि मुझे डर लगता है कि नहीं। और हम लोग लास्ट दिन घूमने गए थे तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये भीड़ यहाँ पे थी। तो आप देख सकते हैं हम लोग VIP पास होने के लेने के बाद भी हम लोग को थोड़ा सा तो भीड़ में जाना ही पड़ा, लेकिन ये था कि हम लोग को एंट्री बहुत जल्दी मिल गई थी। अगर हम लोग टिकट लेके जाते तो हम लोग को एंट्री तो 2-3 घंटे तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग को एंट्री मिल सकती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी गया, यहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर झांकियाँ लगी हुई है। अच्छा, किसको भूत देखना पसंद है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा है यहाँ का माहौल। मुझे तो ऐसे ही डर लग रहा है। सस्ता भूत है यार ये तो। मुझे डर नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स, सच बताओ तो झांकियाँ उतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन ये जो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था ये थोड़ा ज़्यादा डरावना सा था। और हम लोग बहुत सारे लोग थे, यहाँ बहुत भीड़ थी, इस वजह से डर नहीं लग रहा था, लेकिन म्यूजिक सुन के थोड़ा सा तो डर लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग हॉन्टेड हाउस घूम लिए, अब यहाँ पे गणेश पंडाल में आ गए हैं। और यहाँ की डेकोरेशन देख सकते हैं कितना खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो यहाँ पे चलिए अब हम गणेश जी के भी दर्शन कर लेते हैं और प्रसाद ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी। और फ्रेंड, मेरा
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो चलिए हम पास से दर्शन करते हैं। और यहाँ के जो गणपति पप्पा जी थे बहुत ही सुंदर थे। तो यहाँ पे पता नहीं मेरे फ्रेंड लोग कहाँ घूम गए थे, इन लोग लास्ट तक वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो मैं रिंकू दीदी के साथ जल्दी आ गई थी। तो हम लोग पास में जाएंगे और उनके थोड़ा दर्शन करके प्रसाद वगैरह लेके हम लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर और भी लोगों को मौका देना चाहिए घूमने का। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद वगैरह लेके और मैं यहाँ पे मैं रिंकू दी और वर्षा दी हम तीनों यहाँ पे मिल गए थे, और बाकी लोग का पता नहीं, लेकिन वो लोग भी आई जाएंगे। इसके बाद हम लोग मेले में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और हम लोग एक जगह और गए थे, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा और मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर मेले में। तो चलिए आगे मैं आपको और दिखाती हूँ। वीआईपी पास रहने का ये फायदा है कि अब हम लोग दर्शन करके भी आ गए और यहाँ की लाइन बिल्कुल भी खत्म नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, देख सकते हैं कितनी ज्यादा लंबी लाइन है और हम लोगों का ये फायदा हो गया। तो अब हम लोग मेले में आ गए हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। और मैं ये सब ले तो लेती हूँ लेकिन हमें रखे रह जाता, यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इस बार मैं सोची कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगी, क्योंकि पैसे बचाने चाहिए यार, इतनी मेहनत से आते हैं। तो जो ज़रूरत का सामान रहेगा, जो खाने पीने की चीज़ रहेगी वही लूँगी, और जो फालतू खर्चे जो मैं करती हूँ वो अब मैं बंद कर दूँगी। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको मेला घुमा देती हूँ, कितने प्यारे प्यारे से सामान है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। अच्छा, झुमके किसे किसे पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आप देखे होंगे कि मैं झुमके ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस टाइप के झुमके थे तो मैं नहीं ली थी, और भी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो लोग लिए थे, क्योंकि वो लोग कम पहनते हैं। और तो यहाँ पे चलिए मैं आगे भी आप लोगों को दिखाती हूँ, इतने प्यारे प्यारे से इयररिंग्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे चप्पल्स के भी शॉप है, यहाँ पे कंगन वगैरह सब चीज़ के मेले। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ था, और यहाँ पे कंगन भी बहुत प्यारे प्यारे थे, लेकिन मैं ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ करके तो मैं नहीं ली। और रखे रखे भी ख़राब हो जाते हैं अगर आप चीज़ें यूज नहीं करेंगे। तो मैं बिल्कुल भी अपने हाथों को कंट्रोल करके रखी थी, कि मैं सोच के रखी थी ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे करूँगी। फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पहनने के लिए। तो यहाँ पे ये लकड़ियों की बहुत ही प्यारे प्यारे से जो चीज़ें बनी हुई थी आप देख सकते हैं। और अब मेला घूमना किसको किसको पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सब वीडियो मैं आप लोग के लिए ही लेके आई हूँ। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। और यहाँ पे आप अचार देख सकते हैं। और किसे अचार पसंद है? मुझे पसंद है, लेकिन मैं आम के ही अचार ज़्यादा खाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन देखते हो कब तक ये हो पाता है। लेकिन मुझे आइसक्रीम देखे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, वहाँ पिज्जा भी मिल रहा है। अरे लेकिन इसके लिए मुझे और लोगों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मिला के पैसे खरीदने वाले लोग में हैं। तो देखते हैं। हाँ सही बोल रहे भैया आप, ये सब इयररिंग्स अगर आप किसी शॉप में खरीदते हैं तो आपको महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इसे रस्ते मिलेंगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे। ये देखो ना, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों? हाँ तो ऐसे ही रहेगा ना, वो टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा, पागल वागल हो गया। ये देखो इसको, देखो इसको बोलते हैं शादीशुदा लेडीज लोग, बड़ी खतरनाक होते हैं ये लोग, एक एक चीज देखते रहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ यार। बोलते ये भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ है। और रिंकू दीदी कितनी पार्किंग कर रही है, तो कुछ अलग सा दिखा, तो चलो देखते हैं पूछते हैं क्या है। फिर से बोलो यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्मोक बिस्किट। यहाँ पे मैं स्मोक बिस्किट खाने वाली हूँ, मैं पहली बार ट्राई करूँ, पता नहीं कैसा होगा। तो आओ और लो, बस स्टॉप कर दो। हमेशा ये होता है कि हम लोग कुछ गर्म खाते तो हमारा मुंह जलने लगता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ठंडा खाई और मेरा मुंह जलने लगा। ऐसा लगता है ठंडे की वजह से मेरे मुँह छाले पड़ गए हैं। गुस्सा हो गई है दीदी, मैं इनके लिए आगे से खोज रही हूँ सब चीज की, ये वीडियो बना सकते हैं और ये मेरे से गुस्सा है, मतलब हाथ धोती है यार।
क्या हो गया दीदी? अरे आपके लिए इतनी अच्छी चीजें खोजी हूं, सस्ता। चल बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पे अभी दीदी खा रही है स्मोक, अब इनको खाने के बाद पता चलेगा कि इसका फील क्या होता है। और मेले का सुहाना मौसम है। दीदी कैसा लग रहा है पहले ये बताओ, कुछ मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। कैसे कैसे लोग कितना लड़ते हैं यार मेरे से, ये लोगों के लिए कुछ मेहनत करो और ये लोग लड़ते हैं। अब ये गुस्सा हो रही है मेरे से, अब यही टिके रहूंगी, उनके पीछे पीछे जाऊंगी। एक बार फिर बोल दीजिए, ठीक है ये हमारी दुआ है। चलिए ठीक है, थोड़ी थोड़ा थोड़ा दुआ ले, थोड़ा थोड़ा दुआ दे दे ले लेना चाहिए। दीदी 10 रुपए दी है, इनके पास 1 करोड़ रुपए आएगा। और वो अंकल, वो जो मांगने वाले हैं ना, वो ड्रिंक किया हुआ है। आप बता मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। और हम लोग मेले में बहुत सारी चीज़ें खाए और बहुत ही ज़्यादा घूमे। हम लोग एक और पंडाल में गए तो उसमें भी बहुत सारी मस्ती हुई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हुआ है। तो वो वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा घूमने और गणेश जी आपकी सारी विशेष पूरी करें। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट अपने व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।